मुझे लग रहा था पता नहीं ये प्लांट सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इधर ना पहले मैंने क्यारी रखी हुई थी, मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों अभी छत पर आई थी, कुछ कपड़े धूप में सुखाए हैं, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, देखो बहुत इतना तेज़ धूप है ना, और दो दिन से क्या हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है, तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी सुखा दूँगी और आपको जो अपने फ्लावर आए हुए हैं ना प्लांट्स पर वो दिखा दूँगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी मेरे नए वाले गुलाब पर फूल आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो फाइनली उस पर फूल आ चुके हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कितने सुंदर लग रहे हैं ये वाले धनिए वाले फूल, मैं तो इन्हें धनिए वाले फूल ही कहती हूँ, वैसे इनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, उसने मुझे बताया तो था माली ने, और शायद क्लेसिया नाम है इनका, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना इनका नाम मुझे, और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल हैं ये वाले। और इधर ही देख लो, इस पर भी ढेर सारी कलियाँ आ गई हैं, बारिश हो गई थी ना पीछे तो मुझे लग रहा था पता नहीं ये प्लांट सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, लेकिन कर रहा है, ये देखो कितनी कलियाँ इसमें हैं और ढेर सारी आ भी रही हैं, फूल भी खिले हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा प्यारा सा फूल है ये देखो, और यहाँ गेंदे पे भी ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं, तो और इधर देख लो दोस्तों ये वाला पोर्शन जो है उसमें थोड़ा चेंज किया है, और क्यों चेंज किया है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस लिए मैंने ये पोर्शन थोड़ा चेंज कर दिया। इधर ना पहले मैंने क्यारी रखी हुई थी, जो ये वाली क्यारी है ना जिसमें ये येलो फूल है, ये वाली क्यारी मैंने रखी हुई थी उस साइड, लेकिन अब इस साइड इसलिए रख दिया, पता नहीं क्या हो रहा था, इसके साथ ही ना मैंने ये सफ़ेद फूलों वाली गुलदावदी भी लगाई थी, तो इसके फूल पता नहीं कैसे, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कोई चूहा आके तोड़ रहा है या क्या हो रहा है पता नहीं, तो मैंने सिर्फ देखने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर मैंने यहाँ पर इस प्लांट को रख दिया, यहाँ पर रख दिया मैंने ये वाली क्यारी, कि देखूंगी कि वहाँ फूल जो है वो कौन खा रहा है, और कीड़ा वीड़ा इसमें है नहीं, मैंने चेक कर लिया है कोई कीड़ा नहीं है, तो कीड़ा नहीं है, तो अभी फ़िलहाल इसमें कलियाँ बनने लग गई हैं दोबारा से, हो गए इसे 3 से 4 दिन हो गए मुझे यहाँ रखे हुए, तो इधर रखा हुआ है, और इधर ये येलो फूल भी नहीं खाया, इसका भी एक येलो फूल ना खाया हुआ था, तो इस पर भी 3 फूल थे तो एक खा लिया था और 2 थे, तो फिर मैंने इसको इसलिए इधर रख दिया, मैंने कहा शायद कहीं ना ख़राब ना हो जाए प्लांट। और इधर देखो डहलिया में इतना प्यारा ये बड़ा सा फूल आया हुआ है ना, ये वाली जो वैरायटी मैं लेकर आई हूँ ना डहलिया की, ये वाली बहुत अच्छी लगी मुझे, इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा फूल आता है, इतना फूल येल्लो पे भी नहीं आया हुआ था, ये येल्लो जो फूल था ना वो वाली वो है डहलिया का प्लांट, तो इस पर अभी कली बनी हुई है लेकिन अभी फूल नहीं आया है, तो इस पे ये फूल मैं खिला हुआ ही लाई थी, थोड़ा सा खिला हुआ था पर्पल मैं ले आई थी, और देखो कितना बड़ा हो गया है फूल खिल के, और प्यारा भी बहुत लग रहा है। और इधर ये वाला लाई थी मैं, इसकी ही वैरायटी है, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है ना ये इंग्लिश है, डहलिया की इंग्लिश वैरायटी है, तो इसका जो फूल है ना वो उतना बड़ा साइज़ नहीं था, छोटा ही था और बहुत जल्दी मुरझा भी गया, ये देखो सूख भी गया है, और ये वाला ना कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम हो गया इसे मुझे लाए हुए, कम से कम 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये फूल ना ऐसा का ऐसा एज इट इज़ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, और अभी और भी ना इसमें यहाँ से देखो ये अभी ये और थोड़ा सा और खिलेगा और बड़ा होगा, तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये वाला फूल। और जो जीने में दोस्तों मैंने प्लांट रखे हुए थे ना जितने भी, वो सारे मैंने जो है यहाँ रख दिए, क्योंकि धूप थोड़ी बहुत प्लांट्स को चाहिए, तो बिल्कुल ना मुरझाए मुरझाए से हो रहे थे वहाँ पे प्लांट, तो मैंने यहाँ रख दिए, एक ये मनी प्लांट भी मैंने रखा हुआ था, तो ये भी मैंने लाकर अभी यहाँ रख दिया, फ़िलहाल अभी इसको लगाया तो नहीं है ठीक से, अभी फ़िलहाल बस यहाँ रख दिया है, तो इसको मैं सोच रही हूँ वो वाला कॉर्नर दे दूँ, तो कॉर्नर पर ना इस तरीके से शेड के ऊपर
बड़ा होगा तो अच्छा लगेगा ये। और यहाँ पर ये जो कांटे वाला पौधा मैंने रखा है ना, ये देखो, ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना चूहे आके परेशान कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फूल मेरे खा रहे थे ना, वो चूहे परेशान कर रहे हैं। तो अभी ये प्लांट मैंने रख दिया ना, तो फिर इससे थोड़ा दूर रहेंगे, वो नहीं आएंगे और पौधों को नुकसान भी नहीं होगा। तो फिर मैंने इस तरीके से रख दिया ये। और इधर ही कॉर्नर में ये वाला रख दिया है मैंने, ये देख लो, ये भी प्लांट बहुत प्यारा है। इसको भी शेड में रखना होता है, अभी गर्मी में ख़राब हो जाता है ये ज़्यादा धूप में, तो फिर इसको शेड में रखना होता है। तो फिलहाल मैंने अभी यहाँ रखा है, फिर देखूँगी इसको इस साइड पे रख दूँगी। और इधर देख लो, जो गुलाब हैं वो सारे ढेर सारे आए हुए हैं। देखो कली सारी ना बड़ी होने लग गई हैं, और कुछ कली जो पहले से अब खिलने लगी थी, तो उन पर फूल देखो कितना मोटा बनने लग गया, ये देखो, तो इस तरीके से। और यहाँ भी इसको मैंने इस तरीके से बांध दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ये बड़ा भी हो रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे स्टिक के साथ ना इसको बांध दिया, क्योंकि यहाँ फूल खिलेगा ना तो फिर वेट हो जाएगा, तो फिर मैंने कहा डाल ना टूट जाए। वैसे तो डाल सख्त होती है गुलाब की, लेकिन फिर भी डर रहता है। ये देखो, तो इस पर दो फूल एक साथ आने वाले हैं, तो बहुत खूबसूरत होता जा रहा है मेरा गुलाब। तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखा देती हूँ, तो और बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखो। और यहाँ पर जो मेरा नया गुलाब था ना, जो मैं आपको बता रही थी कि नए गुलाब पर फूल खिले हैं, उनमें से ये दो गुलाब मैंने इसमें लगाए हुए थे, तो इन पर अभी कलियाँ आनी शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन जो मेरा दूसरा वाला नया गुलाब है ना, उस पर कली आ गई है, फूल भी बन गया, और इतना प्यारा फूल खिला है ना, मैं आपको दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने आज ये स्पेशली वीडियो बनाया कि मेरे नए गुलाब का फूल मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी दिखाती हूँ आपको, जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखो कितना प्यारा फूल आया हुआ। और ये ना बिल्कुल डिफरेंट कलर है, एकदम ना वेलवेट होता है ना, जो वेलवेट की तरीके का फूल इस पर आया है, तो ये एकदम अलग वेराइटी मेरे को इस बार मिली है गुलाब की, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये मतलब डार्क ना, एकदम डार्क होता जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लैकिश सा कलर है इसमें, और इधर डार्क पिंक है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। ये देखो, बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये वाला फूल गुलाब का, बिल्कुल डिफरेंट है, जो मेरे पहले वाले गुलाब है ना उससे बिल्कुल डिफरेंट कलर आया है ये। मुझे लगा था वही कलर है, लेकिन नहीं, बिल्कुल अलग कलर है, ये देखो, बिल्कुल वेलवेट कलर है, इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत सुंदर। अभी इस पर दो फूल आए हुए हैं, और भी कली बन रही हैं, और इसको भी मैंने इस बड़ी सी क्यारी में लगाया हुआ है, तो इस पर भी ढेर सारे फूल आने वाले हैं। तो गुलाब के लिए दोस्तों मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, गुलाब पर अगर आप फूल चाहते हैं ना ढेर सारे, तो आप उसको थोड़ी सी खुली जगह ज़रूर दीजिए, तो उस पर ढेर सारे फूल आने वाले हैं। टाइम टू टाइम उसकी कटिंग कीजिए, जैसे ये फूल सूख जाते हैं ना, तो इनको यहाँ से कट कर दो, तो इसमें ना दो कली इस तरीके से जो ब्रांच है ना वो बहुत ज़्यादा निकल के आएंगी। जैसे आप यहाँ से कट करेंगे ना जब नीचे से, तो एक ही ब्रांच से कई सारी ब्रांच इस तरीके से निकल आएंगी, ये देखो, और उस पर ढेर सारी कलियाँ बनेंगी। तो मेरा ये टिप ज़रूर याद रखना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गुलाब हैं, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है गुलाब को लेके। और हाँ, खाद बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए, तो फरवरी और सितंबर में आप दो महीने में ना, दो महीने आप ज़रूर, महीने नहीं सॉरी, साल में दो महीने ना आप अच्छे से खाद प्लांट में दो, इनफ होती है अगर आप अच्छे से ठीक से देते हैं। जैसे मेरे प्लांट्स में अब मैं देने वाली हूँ, क्योंकि अब जो है फैब आ गया है, तो अब मेरे सारे जो प्लांट है ना, जितने भी, सब में मैं खाद डालने वाली हूँ अच्छे से। तो मैं दिखाऊंगी जिस दिन मैं खाद डालूंगी ना प्लांट में, तो मैं किस तरीके से डालती हूँ, कैसे देनी है खाद, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखो, ये भी प्लांट मेरा सीढ़ियों में रखा हुआ था, ये भी मैं यहाँ ले आई हूँ। तो धूप बहुत ज़रूरी होती है प्लांट के लिए, इसलिए मैं थोड़े सा धूप यहाँ पे उन्हें लग जाए, क्योंकि कुछ जो प्लांट थे ना वो उसमें गर्मियों के भी थे, कुछ उसमें विंटर के भी थे, तो फिर मैं ले आई, उस टाइम पे रख दिए थे मैंने, ले आई तो फिर लगा दिए हैं। और बहुत प्यारा लगा मुझे ये गुलाब, जो नए वाला फूल मेरा आया है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और इधर देखो, नीचे ना एक टमाटर का पौधा उग गया था, तो वो मैंने ला कर इस छोटे से गमले में लगा दिया है,
देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये भी टमाटर का ही है, ये मैंने इस छोटे से ग्रो बैग में लगाया हुआ है और स्टिक की सहायता से ना इसको इस तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है, क्योंकि ये ना जो प्लांट होता है ना टमाटर का, ये बहुत ज़्यादा झुकता है इधर उधर, टेढ़ा मेढ़ा बहुत होता है, तो फिर रख दिया है इस तरीके से लगा के। और यहाँ पे ये जो डॉग फ्लावर है इस पर भी फूल आए हुए हैं, तो काफ़ी सारा जो फूल है ना वो शुरू हो गए हैं मेरे प्लांट्स पर आने। और ये रेन लिली है, रेन लिली पे तो फूल मैं आपको दिखाऊंगी, ढेर सारे आते हैं जब बारिश आती है, तो जब आएंगे बारिश में तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके के लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से लग रहा है दोस्तों। मैंने सोचा चलिए आपके साथ गुलाब की टिप भी दे देती हूँ आपको और शेयर भी कर देती हूँ नए गुलाब के फूल। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।